एसकेएच न्यूज चैनल के समस्त दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं माकांत पचौरी और आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद न्यूज चैनल एसकेएच न्यूज। फिरोजाबाद में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में चलाया गया स्वच्छता अभियान, जिसमें शिक्षकों एवं स्कूली बच्चों ने लिए बढ़ चढ़ कर भाग। देखिए हमारे संवाददाता अमित पारसर की यह रिपोर्ट। फिरोजाबाद के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में आज स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कॉलेज प्रबंधन के साथ साथ छात्र छात्राओं ने भी कॉलेज में गंदे पड़े परिसर को झाड़ू लगाकर साफ किया, वहीं अपने आसपास होने वाली गंदगी को भी खत्म किया। इस कार्यक्रम में केमिकल डिपार्टमेंट के एचओडी दुर्गेश चंद्रा और मैकेनिकल डिपार्टमेंट के एचओडी नरेंद्र, जीसी डिपार्टमेंट के एचओडी करणपाल सिंह मौजूद रहे और छात्र छात्राओं में प्रशांत कुमार और अभय कुमार, भयंकर सिंह यादव और इमरान आलम, संतोष कुमार आदि मौजूद रहे। क्या नाम है आपको? माय नेम जीतू मौर्या, मैकेनिकल फर्म। जो यहाँ पर जो आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्वच्छता अभियान चल रहा है, ये किस प्रकार का है, कैसा चल रहा है ये? अच्छा लगता है, हमारा कॉलेज है, हम ही सफाई करेंगे इसकी और हम ही लोग लाइब्रेरी लैब हम ही साफ करेंगे तभी साफ होगा ये, और हमारा फर्ज बनता है कि हमारा कॉलेज है, हमें यहाँ पे हम ही साफ करेंगे इसको। ओके सर, जैसा कि ये पॉलिटेक्निक विद्या जो कॉलेज है इसमें स्वच्छता अभियान चल रहा है, सर किस प्रकार का अभियान चल रहा है? ये हमारे कैंपस में हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशानुसार एक स्वच्छता अभियान चल रहा है। भारत सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है स्वच्छ भारत अभियान की, उसके तहत हमारे उच्च अधिकारियों ने उनके निर्देशानुसार आज स्वच्छता अभियान चल रहा है। आज के दिन हमारे यहाँ पठन पाठन बंद है, केवल कैंपस में लैब्स ऑफ कैंपस परिसर, लाइब्रेरी जहाँ भी हैं ऑफिस, सब जगह साफ सफाई चल रही है। सर जो सफाई अभियान जो स्वच्छता मिशन अभियान चलाया जा रहा है, सर किसके विरुद्ध कैसा अभियान चलाया जा रहा है? ये स्वच्छ भारत अभियान है, इसके तहत जो संस्था लेवल पर मैं तो चाहूँगा कि संस्था में कम से कम दो बार इस तरह का पखवाड़ा होना चाहिए, जिस समय पर संस्था के अंदर तथा बाहर संस्था के अंदर जैसे लैब्स हैं या लाइब्रेरी है उनकी सफाई हो जाती है, और इस बहाने जो छात्र हैं उनमें भी जागरूकता थोड़ी सी फैलती है कि भाई सफाई को लेकर हमारा देश है, हमारा प्रदेश है, साथ में हमारा जिला है, इसको कैसे साफ रखा जा सकता है।